हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लाउज की लेस डिजाइन शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैक पार्ट की लेंथ हमने यहाँ से 14.5 इंच लिया हुआ है, चेस्ट है 10 इंच, ये देखिए। शोल्डर हमने यहाँ से 5 इंच लिया हुआ है, आर्मोल है 6 इंच और 1.5 इंच की हमने यहाँ पर आर्मोल की गोलाई दे दी है। नेक विड्थ 2 इंच लिया है और नेक का लेंथ हमने यहाँ से 9.5 इंच रखा हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके का नेक का जो शेप है वो ड्रॉ किया हुआ है। तो इस तरह से हमें बिल्कुल अच्छे से नेक का शेप ड्रॉ कर लेना है और अब हम इसे कट कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से आपको कॉर्नर में कट लगाना है और गले की हमें फिनिशिंग दे देनी है। आप चाहे तो पट्टी कट करके यहाँ पर फिनिशिंग दे सकते हैं या फिर आप चाहे तो पाइपिंग भी यूज कर सकते हैं। आपको जैसा पसंद हो आप उस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे गले को फिनिशिंग दे दिया हुआ है और साइड साइड से इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्कर लिया हुआ है और यहाँ से हमें इस तरह से लेस को डेकोरेट करना है। तो आप देखिए यहाँ पे मैं किस तरह से इसे लगा रही हूँ। तो जहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ था सेम उसी जगह पर हमें इस तरह से लेस को अटैच करते जाना है और इस तरह से हमें यहाँ पर राउंड करते हुए लेस को घुमाते हुए एक डिज़ाइन बनाना है। बिल्कुल इस तरीके से फिनिशिंग के साथ और लेस के ऊपर हम अच्छे से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे चारों तरफ से बिल्कुल अच्छे से लेस के ऊपर सिलाई लगा देनी है और कपड़े को हमें घुमाते हुए लेस को भी हमें इस तरह से घुमाते हुए और डिजाइन बनाना है। बिल्कुल राउंड सा शेप देना है, कोई भी शेप हमारा बड़ा छोटा ना हो इस बात का आप ध्यान दें। जो भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं उसे हम बराबर दूरी पर और बराबर लगाएंगे, कोई भी कम ज़्यादा ना करें। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं किस तरह से राउंड कर रही हूँ लेस को, सेम इसी तरह से हमें लेस को राउंड करना है और इस तरह से नेक में हमें कंप्लीट कर लेना है। जहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है वहाँ तक हमें इसे इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। और ये जो डिज़ाइन है वो बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे कम समय में बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ बना सकते हैं और इसमें हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आता है रेडी होने के बाद। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरीके को। और अगर अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जहाँ तक मार्क किया हुआ है वहाँ तक डिज़ाइन को रेडी कर लिया हुआ है और अब हम यहाँ पे कट कर देंगे और यहाँ तक हमें इस तरह से सिला लगा लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लेस लगा लिया हुआ है। अब हम यहाँ से रेडी करेंगे लेस लगाना जहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है वहाँ पे इस तरह से हम लेस लगाएंगे। बिल्कुल अच्छे से आपको यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा लेस निकल रहा हो उसे कट कर देना है और साइड साइड से हमें लेस को लगाते जाना है। तो ये देखिए मैंने एक बार लगा लिया हुआ है लेस को, अब हमें और एक लेस लगा लेना है। यहाँ पे दो लेयर हमने लेस का लगाया हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे लेस लगा लिया हुआ है। सेम इसी तरह से हमें दूसरे साइड में भी लेस लगाना है, इस साइड में भी हमें सेम इसी तरह से लेस लगा लेना है। बिल्कुल आसान है ये ब्लाउज की डिज़ाइन बनाना, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमें डबल लेयर लगाना है। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया है दोनों साइड। अब हम कमर की तरफ भी लेस लगा लेंगे जिससे कि ब्लाउज का लुक और अच्छा दिखे।
तो यहाँ पे हमने दो बार लेस लगा लिया हुआ है, जिस तरह से साइड साइड में लगाया हुआ है सेम उसी तरह से यहाँ पर भी हमने दो बार लेस लगाया हुआ है फ्रेंड्स। और ये देखिए कंप्लीट हो गया है, तो कमर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे डेकोरेट करने के लिए इस तरह का वाइट कलर में मोती लेंगे और इस तरह से सुई धागे को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से आपको एक मोती अटैच करना है इसके सेंटर में, बीचों बीच हमें यहाँ पे मोती लगा लेना है जिससे कि इसका लुक और अच्छा दिखे। और बिल्कुल अच्छे से आपको यहाँ पे मोती को पक्का कर लेना है जिससे कि ये निकले नहीं आसानी से। तो यहाँ पे आपको दो तीन बार धागे को लपेटते हुए इसे पक्का कर लेना है। और सेम इसी तरह से हमें जितने भी डिजाइन्स बनाए हुए उसमें हम मोती को अटैच करते हुए रेडी कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने रेडी कर लिया हुआ है। और आज का ये लुक आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।